This video is made for medical student as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. Hello friend, welcome to the channel Pharmacy Dictionary. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये है ऑफ्सिन 200 टैबलेट। लेकिन इस ऑफ्सिन 200 टैबलेट में ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, यानी कि जिसके लिए हमने इसे परचेस किया है वो कौन सा ऐसा एजेंट है जो हमें वो इफेक्ट शो करता है। सो इस ऑप्सिन जो कि एक ब्रांड नेम है, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ओफ्लॉक्सासिन, और ये जो ओफ्लॉक्सासिन है वो टैबलेट डोजेस फॉर्म के रूप में बनाया गया है और इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाया गया। इस पैकेट में आपको 10 टैबलेट मिलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये ओफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है, ऑप्सिन 200 टैबलेट है, इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसे हम यूज करेंगे और ये है क्या ओफ्लॉक्सासिन, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसके काम करने के तरीके क्या क्या हैं, वो आप सब जान जाएंगे बस थोड़ी ही देर में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक का कि एंटीबायोटिक होता क्या, क्योंकि ओफ्लॉक्सासिन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक ऐसा एजेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनाया गया होता है और इसका जो पर्पस है वो दूसरे एंटी को कम करने का काम करता है। सो जब कभी भी हमारे बॉडी के रेस्पेक्टिव पार्ट्स में इन्फेक्शन होते हैं तो उस इन्फेक्शन के लिए यूं तो अलग अलग टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ओफ्लॉक्सासिन के काम करने के तरीके आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अगर मैं ये कह लूं कि ये हमारा कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन है, सपोज अगर इस बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, मतलब हमारे सांस लेने वाले जो ट्रैक है स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नोज टुवर्ड द लंग्स, तो ये इस तरह के यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये हमारा ड्रग काम करेगा, ऑप्शन 200 ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट। अगर इस व्यक्ति के स्किन में कोई इन्फेक्शन है तो हमारा ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन, यहां भी अपना काम करेगा, यानी कि स्किन के इन्फेक्शन में मदद करेगा ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ अगर इस व्यक्ति के किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो किडनी के इन्फेक्शन में भी ठीक करने में ये मदद करेगा, ना केवल किडनी बल्कि किडनी से एसोसिएटेड जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है यहां भी ये इन्फेक्शन अगर कुछ हो गया होगा तो इसके भी ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग यूज कर सकते हैं। तो ये जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द केस में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट को, यानी कि बैक्टीरिया को किल करके अपना एक्शन शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हमारे जो ड्रग का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ओफ्लॉक्सासिन और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 200 mg। तो सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं आपको डिस्कस करते हुए कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। हमारा जो ओफ्लॉक्सासिन है ये आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स की कैटेगरी का एग्जाम्पल है। फ्लोरोक्विनोलोन्स एक क्लासिफिकेशन है जो उसके केमिकल नेचर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ये फ्लोरोक्विनोलोन्स काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक हेडफोन है और इस हेडफोन की जो लीड है वो अचानक से किसी कारण से इस तरीके से गुच्छे में बदल गई है, माने कि कॉइलिंग हो गई है, फंस गया है, उलझ गया है। सो हमको ये चीज अच्छी नहीं लगती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हम इसमें काफी मेहनत करके धीरे धीरे इस उलझन को सुलझाते हैं और फिर इसको स्ट्रेट कर देते हैं, तब जाके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, वरना ये जो लीड है, कॉर्ड है, वो टूट सकता था, तार इसके अंदर के जो वायर पतले होते हैं वो कट सकते थे। सेम चीज अगर हम बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, इसके जेनेटिक मटेरियल होंगे, यहां भी उसके डीएनए में इस तरह की सुपर कॉइलिंग हो जाती है। ये जो आप गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। अगर ये सुपर कॉइलिंग बना रहा तो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन और फर्दर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम से रिलीफ देने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया के अच्छे के लिए, यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं। इनमें मुख्य रूप से आपका डीएनए गायरेज एंड टोपोइसोमरेज 4 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए गायरेज हैं, इस सुपर कॉइलिंग को हटा करके वापस से इस डीएनए को नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में लेकर के आते हैं और इससे जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करता है और फर्दर मल्टीप्लीकेशन करता है। मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारा जो टोपोइसोमरेज 4 है वो उनको डिवाइड करने का काम करता है, मतलब ये जो हमारा सेल है वो आगे जा करके इस तरीके के दो अलग अलग सेल में, पहले तो दो अलग अलग सेल हो गए और बीच में अभी भी आपस में ज्वाइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोकस को। सो फाइनली टोपोइसोमरेज 4 इनको दो अलग अलग डॉटर सेल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, इन सबको क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि हमारा ये एक बैक्टीरिया है जो कि आगे जाकर के दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा,
फर्दर ये सिंगल बैक्टीरिया और दो में और ये भी बैक्टीरिया और दो में बदल जाएगा। इस तरीके से इनका बाइनरी फ्यूजन होगा और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और इस मल्टीप्लीकेशन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे दो एंजाइम, वह है आपका डीएनए गायरेज और टोको आइसोमरेज 4 जो कि बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट के लिए अच्छे हैं। So, हमको जब भी बात करनी होती है एंटीबायोटिक का तो हमको अपने बेनिफिट के रिस्पेक्ट में बात करना होता है, ना कि बैक्टीरिया के। So, हमारा बेनिफिट कब होगा? जब हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कैसे कर पाएंगे? जब हम बैक्टीरिया के उस स्टेप को अफेक्ट करेंगे जो कि बैक्टीरिया के लिए नेसेसरी है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी इसको हटाने का काम कर रहा है डीएनए गायरेज एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है टोपोआइसोमरेज 4। सो हमको इन्हीं दोनों को, डीएनए गायरेज को और टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट कर देना चाहिए ताकि ये बैक्टीरिया के इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ना दे पाए और हमारा अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये उसके काम करने के तरीके हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि और क्या क्या अफेक्ट करता है। ये जो हमारे ओफ्लॉक्सासिन है वो बैक्टीरिया के इसी दो पॉइंट को अफेक्ट करेगा। इसके कारण से बैक्टीरिया का जो सेल डिवीजन है वो कम होगा। सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, एक सेल का मल्टीप्लीकेशन करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से इनका जो मल्टीप्लीकेशन है इसको ओफ्लॉक्सासिन कम कर देता है। साथ साथ ये इसके ट्रांसक्रिप्शन को भी अफेक्ट करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कोड बनाना, यानी कि जब हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन की तो ये कोड बना करके उसको बनवा लेता है। वैसे ही बैक्टीरिया को भी अगर किसी स्पेसिफिक तरीके के प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो ये मैसेंजर आरएनए को मैसेज भेज करके स्पेसिफिकली अपना प्रोटीन बनवा लेता है। तो इसी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, यानी कि कोडिंग के प्रोसेस को हम इस ऑफ्लॉक्सासिन देकर के इनहिबिट करते हैं। इसके बाद डीएनए में जो डैमेज हो जाता है, बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सो बैक्टीरिया के डीएनए में जो ये जब डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस डैमेज को वो रिपेयर करता है। कौन? बैक्टीरिया खुद या डीएनए गायरेज। सो हम बैक्टीरिया के रिपेयर होने के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। सो रिपेयरिंग नहीं होगी तो डैमेज जो कंडीशन में है वही डैमेज कंडीशन में रहेगा। तो इस तरीके से बोल लीजिए कि इनके सुपर कॉइलिंग को, इनके मल्टीप्लीकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को, रिपेयर को इनहिबिट करके हमारा ओफ्लॉक्सासिन काम करता है। सो दिस वाज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिहाइंड दिस ओफ्लॉक्सासिन। अब यहाँ पे देखिए, ईच फिल्म कोटेड टेबलेट, यहाँ पे हमने बात किया था पहले अनकोटेड, एंट्रिक कोटेड, नाउ एक टर्म्स आया फिल्म कोटेड, मतलब इसमें कि फिल्म कोटिंग की गई है। ओफ्लॉक्सासिन का कंटेंट बताया 200 mg, एक्सिपिएंट है, क्वांटिटी सफिशिएंट। ऐसे एजेंट जिनकी खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो केवल आपके मेन कंटेंट के बल्क को बढ़ाने या उसको किसी अदर तरीके से सपोर्ट करने में यूज होते हैं, वो एक्सिपिएंट कहलाते हैं। इस टैबलेट में जो कलर्ड इंपार्ट करने के लिए एजेंट यूज किया गया है वो कलर का कोड है सनसेट येलो FCF, ये कैटेगरी होती है कलरिंग एजेंट की। डोज के बारे में बात करें तो ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, तो इसे आप बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं परचेस कर सकते और ना ही परचेस करना चाहिए। सो डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। स्टोरेज की कंडीशन बहुत कॉमन है, हर जगह रहता है कि वी शुड स्टोर एनी ऑफ द मेडिसिन इन कूल एंड ड्राई प्लेस, और इसको डायरेक्ट सनलाइट से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो जो सनलाइट है इसके में यूवी रेडिएशन होते हैं और ये हीट प्रोटेक्ट कर, हीट प्रोड्यूस करता है। सो जब कभी भी हमारा टैबलेट इसके डायरेक्ट एक्सपोजर में होगा तो टैबलेट में कोई ना कोई केमिकल ऐसा होगा जो हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाया, उससे उसकी केमिकल नेचर में डिटोरिएशन होगा और वो अपनी पोटेंसी, एफिकेसी, अपीयरेंस दोनों को या तीनों को खराब कर सकता है। सो कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे घर में है अगर तो उनकी पहुंच से दूर रखें, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि ये क्या चीज है, हो सकता है इसको अट्रैक्टिव देख करके वो खा सकते हैं, इसीलिए आपको इस चीज को अलग करना चाहिए। ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया है एजोट लाइफ साइंस के द्वारा और इसको मार्केट किया गया है आपके नोवेक्सिया कंपनी के द्वारा। सो इसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे मैंने अपने फ्रेंड से अटेंड किया है ताकि हम इसके ऊपर वीडियो बना सकें, इसलिए इस पर लिखा हुआ है फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। सो फ्रेंड, दैट वॉज अ सिंपल वीडियो रिगार्डिंग द ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक टेबलेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।